हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम के की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर हमें बोल दिया कि हमारे पास कोई इक्वेशन है और उसके मूल बराबर है, यानी कि इक्वल रूट्स हैं उसके। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर हो, यानी कि इक्वल रूट्स हो। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को लिख लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे हमें इसको कंपेयर करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसको कंपेयर करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 2x², यहाँ पर ax², तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। a की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अब देखिए, जैसे x यहाँ पर है प्लस kx प्लस bx, तो b की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू क्या लिख देंगे, k। अब देखिए, इससे आगे c की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 3। तो c की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। अब देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं लिख देता हूँ कंडीशंस फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन दी जाती है हमें, इक्वल रूट्स हो तो कंडीशन होती है b² माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हो। तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, हमको क्या करना है, हमको इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पर देखिए, b का स्क्वायर बोला है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, k, यानी कि यहाँ पर कर दीजिए k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 लिख दीजिए, इंटू c की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, k² माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो 24 है इधर माइनस में, ये राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 24। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर रूट लगाएंगे। अब देखिए, रूट कैसे लगा, तो देखिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस k² इज़ इक्वल्स टू 24, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 24। तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अगर हमें इसको फर्दर सॉल्व करना हो तो इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, 24 के रूट्स निकाल लेंगे। तो 24 के रूट्स निकाल दीजिए, 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से इसको करेंगे फिर सॉल्व, तो इसके बाद हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, और फिर अगर हम इसको 3 से कर दें तो वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हमें इसके रूट्स लिखने हो तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। k की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 24, तो आप क्या करिए, इसके अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 24 की जगह हम इसके रूट्स लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, ये देखिए, 2 × 2 × 2, 3 बार तो 2 है, 1, 2, 3, और 1 बार 3 है। अब देखिए, हमें पता है अगर हमें अंडर रूट में से किसी वैल्यू को बाहर लेना होता है तो वो वैल्यू अंडर रूट के अंदर 2 बार होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2, यहाँ पर हमारे पास 2 बार है, तो इस 2, ये एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 बाहर आ गया। अब देखिए, हमारे पास ये 2 भी अकेला बच गया और ये 3 भी अकेला बच गया, यानी कि ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकते। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट का साइन लगा देंगे, और 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो यानी कि जो अंडर रूट 24 है इसको हम सोल्व करके कैसे लिख सकते हैं, 2 √6, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 2 √6। तो k की जो हमें वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, 2 √6।
तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपके समझ आया होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन के साथ कैसे डील कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टेंथ का मटेरियल देखना है, टेंथ से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो आदि क्लासेस टेंथ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइज़।